बचपन में पीएम मोदी करते थे एक्टिंग, खुद लिखते थे नाटक की स्क्रिप्ट। नमस्कार। पिछले 6 सालों से नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर उभरे हैं। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। वैसे तो उनकी जिंदगी खुली किताब की तरह है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें लोग कम जानते हैं। ये बहुत कम ही लोग जानते कि स्कूल के दौरान नरेंद्र मोदी को अभिनय और नाटक में बहुत रुचि थी। अभिनय और रंगमंच के प्रति उनके प्रेम की रुचि के बारे में उनके जीवन पर लिखी गई किताब द मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी में जिक्र है। ये किताब साल 2013 में MB कामत और कलंदी रंडेरी ने लिखी थी। बता दें कि ये किताब उस वक्त लिखी गई जब वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन देश के बेहतरीन राजनीतिक नेता के रूप में उभर रहे थे। वहीं मोदी ने खुद अपनी किताब एग्जाम वॉरियर्स में बताया कि उन्हें अभिनय और नाटक ड्रामा में से कितना प्यार है। एग्जाम वॉरियर्स किताब के एक चैप्टर में लिखा है कि कैसे मोदी स्कूल प्ले के लिए रिहर्सल को याद करते हैं। किताब में लिखा है कि स्कूल प्ले के लिए रिहर्सल के दौरान मोदी को एक विशेष डायलॉग बोलना था, जिसे लेकर वो काफी संघर्ष कर रहे थे। वहीं ऐसे में नाटक के डायरेक्टर ने उनसे कहा कि अगर वह डायलॉग को सही से नहीं बोल पाएंगे तो वह उन्हें डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। वहीं मोदी को लगा कि डायलॉग की डिलीवरी परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि डायरेक्टर भी उनके बारे में यही बोले। अगले दिन मोदी ने डायरेक्टर से कहा कि वह मेरी जगह आए और मुझे बताए कि मैं कहां गलत कर रहा हूं। कुछ ही सेकंड में मुझे एहसास हुआ कि खुद को बेहतर बनाने में मैं कहां गलत हो रहा था। आपको फिर से बता दें कि सभी बातें मोदी ने किताब एग्जाम वॉरियर्स में लिखी है। बता दें कि मोदी 13 और 14 साल के थे जब उन्होंने बड़नगर में अपने स्कूल के लिए फंड जमा करने के लिए नाटक किया था। स्कूल की कंपाउंड की दीवार कई जगह पर टूटी हुई थी और स्कूल के पास उनकी मरम्मत के लिए फंड नहीं था, जिसके बाद सभी बच्चों ने मिलकर नाटक करने के बारे में सोचा, जिसके बाद मोदी और उनके दोस्तों की टोली ने फैसला कर लिया था कि वे अपने स्कूल के पैसे जुटाएंगे और नाटक करेंगे। ये नाटक मोदी ने लिखा था, जिसका उन्होंने डायरेक्शन भी किया और नाटक में एक्टिंग भी की। मोदी का ये नाटक गुजराती में था, जिसका नाम था पीलू फूल। इसका शब्दिक अर्थ है पीले फूल। नाटक का विषय अस्तशप्ता एक सदियों पुरानी प्रथा थी। बता दें कि अस्तशप्ता की कथा को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। अस्तशप्ता को अपराध घोषित करने का पहला कानून 1955 में सांसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन जब ये नाटक लागू हुआ तब 1963 और 1964 तब भी समाज में अस्तपृश्यता गहरी जड़ थी। मोदी के नाटक पीलू फूल में एक गाँव में एक दलित महिला अपने बेटे के साथ रहती है। बेटा बीमार पड़ जाता है और माँ उसे वैद्य डॉक्टर तांत्रिक के पास ले जाती है, लेकिन सभी बच्चे को देखकर से इनकार कर देते हैं। इनको क्यों दोनों अछूत हैं? महिला मंदिर की ओर में भागती है, लेकिन दलित होने की वजह से मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पुजारी उस पर चिल्लाता है। महिला उस पुजारी के सामने एक पीले फूल के लिए रोती है, गिड़गिड़ाती है ताकि वह अपने बेटे की जान बचा सके, जिसके बाद पुजारी अंत में उसे एक फूल देने के लिए मान जाता है। मोदी का ये नाटक एक संदेश के साथ समाप्त होता है कि हर कोई भगवान और सभी को मंदिरों में देवताओं को चढ़ाए गए फूलों पर समान अधिकार रखता है।